लोग एक तो इम्पोर्टेंट न्यूज मैं बताना चाहता हूँ, NS 200 गाइस कभी मत लेना, कभी नहीं लेना, क्योंकि BS6 ले के लिए रुके हैं। और अभी एक तो चीज हम लोगों ने गौर किया, NS से गाइस धुआं निकल रहा है, यहाँ से हवा निकल चुका है, रेसिंग में लग गया है। यहाँ गाइस सब अनपढ़ गवार है, कोई भी कैसा भी वरना घुस जा रहा है। और गाइस अभी बाइक पूरा रेडी हो चुका है, दो बाइक आ चुका है, तो हम लोग निकलने वाले हैं। और लगेज पूरा रेडी हो चुका है, देख ही सकते हो, तो फटाफट से निकलते हैं गाइस। अभी 4 बज रहा है सुबह, तो देख ही सकते हो कोई नहीं है। तो हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख ही सकते हो, तो बाइक लेके निकल गए हैं, फॉगी एरिया है, गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत आ रहा है। हम लोग NS लेके नहीं खींच पा रहे, वो बुलेट वाला कैसे खींच के भाग गया। कहाँ कहाँ से गड्ढा है समझ में नहीं आ रहा गाइस, इसीलिए धीरे चलाना पड़ रहा है, 62 स्पीड। तो हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख ही सकते हो गाइस, तो राइड पे हम लोग निकल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राइड होने वाला है आज। तो ये NS लेके मैं आज चलाने वाला हूँ 600 किलोमीटर टूवर्ड्स सिलीगुड़ी, कोलकाता टू सिलीगुड़ी गाइस। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो सुबह 4 बजे निकला था, अभी बज रहा है 9 बजने को है। फिलहाल अभी 200 किलोमीटर का ही मैंने रास्ता कवर कर चुका हूँ। मैंने ये जो ऐसा जो रास्ता है ना कोलकाता टू, मैंने कोलकाता से निकलने के लिए इतना ट्रैफिक, सुबह सुबह भी ट्रैफिक, फिर ट्रक का जाम करते हो, पूरा लग रहा है विदेश में आ गए हम लोग, विदेशी रास्ता लग रहा है पूरा एकदम। तो गाइस देख ही सकते हो, तो ये है हमारा सिलीगुड़ी रोड। तो दोनों तरफ से लोग आ रहा है जा रहा है, बीच से कोई निकल जा रहा है, क्या बोले गाइस, ये हाईवे है हाईवे। और एक तो नदी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, कौन सा नदी है क्या पता। जो भाई लोग पहली बार दार्जिलिंग जाना चाहते हो तो रास्ता देख लो, ऐसा ही होने वाला है पूरा रास्ता। मैंने 70-80% रास्ता आपको ऐसा मिलेगा, खाली खाली सा, और 4 लेन है, यहाँ 2 लेन और उस साइड पे 2 लेन। और स्पीड आप लोग बोल देता हूँ मिनिमम 70-80 का ही रख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं रख पाओगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अचानक से लोग बीच पे आ जाता है, आपको ब्रेकिंग करना होगा, ओवर स्पीड करोगे तो कुछ हादसा भी हो सकता है, मेरे को मादर चोद निकल जा रहा कैसे। आते जाते कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए है, ठीक है। तो हाँ भाई, और दार्जिलिंग में शायद कोई बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, देखते हैं कोई आएगा आएगा नहीं आएगा, हम खुद ही घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। जैसा कि बताना चाहूँगा, ये BS6 NS बहुत ही बेकार है गाइस, बहुत ही बेकार, इसमें पावर ना के बराबर। जैसा कि 150 NS 150 इतना पावर दिया गया, 200 में क्या है वैन चोर रेसिंग में लग गया है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो अभी मैं पिलियन पहन के बैठ गया हूँ 300 किलोमीटर चलाने के बाद, हाँ गांड वाड़ सब एकदम थक गया है गाइस। पल्सर बॉय क्या टान रहा है, हमसे पंगा ले रहा है। हमारा अपाची में गाइस बहुत ही दम है, देखी सकते हो NS के साथ मुकाबला कर रहा है वो गाड़ी। गाइस बोलेंगे अपाची 150 में पहले रेसिंग में लग गया है, क्या बोले। अभी हम चलाते ना उसको, मैंने सीधा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे चलाओ, सावधानी से चलाओ। तो गाइस देख ही सकते हो, तो अभी चलाने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से मेरे को चढ़ना पड़ता है, तो देख ही सकते हो गाइस। तो चेन भी इसका ऑटोमेटिक टाइट हो गया है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम गाइस। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, नया गाड़ी है, BS6 गाड़ी है, और पेट्रोल कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा।
तो 2-4 किलोमीटर का जाम मिलेगा गाइस। सुबह भी आओ रात को भी आओ, ऑल टाइम जाम फरक्का बैरेज, बहुत लंबा जाम है गाइस। बैंचोत गाड़ी नीचे उतर गई रोड से, मेरा हाथ कांप जा रहा है यहाँ पे। और आपको अच्छा सा बैरेज दिखाता हूँ गाइस, तो वहाँ आप लोग देख सकते हो बैरेज, तो कितनी सुंदर सा बैरेज है गाइस, फरक्का बैरेज। पागल चौदह ले हो रहा बाबा चौदह, ये वो माना पागला चौदह खान की। अरे नौजवानों हटो लाओरा, भोसड़ी के इधर से आना तुमको। अभी हमसे गाली नहीं कहे वो काचुदा, लाउरा ही का है गिरे माना है बोलो। थोड़ा नारियल पानी पीने के लिए, तो थोड़ा नारियल पानी पीते हैं, देखते हैं तभी देखते हो नारियल पानी चल रहा है हम लोगों का। ठीक है तो नारियल पानी पीते गाइस। तो गाइस आप लोगों को एक तो इम्पोर्टेंट न्यूज मैं बताना चाहता हूँ, NS 200 गाइस कभी मत लेना, कभी नहीं लेना, क्योंकि BS6 बोले तो BS6 120 का ऊपर तो जा ही नहीं रहा टॉप स्पीड। और माइलेज में आपको दिखाता हूँ, अभी सिर्फ चलाया है गाड़ी 294.4 चलाया है गाड़ी, ट्रिप में देख ही सकते हो आप लोग। और पेट्रोल अभी देख सकते हो सिर्फ अभी एक ही टोकाटा बचा, मतलब मिनिमम 100-200 का तेल बचा होगा और 300 किलोमीटर चलाया गाड़ी। और अपाची का पेट्रोल मैं दिखाता हूँ, एक बार अपाची का पेट्रोल चाबी घुमाओ, तो अपाची चला है 2 किलोमीटर, तो 310 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ 2 दाग, ठीक है, और 2 दाग कम हुआ है, तो इसका माइलेज 60 से 65 तक दे रहा है। ये गाड़ी सेल में है, बाद में बोलूंगा इसका प्राइस के लिए। तो गाइस ये लेना बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए, उससे ना पावर दे रहा है ना माइलेज दे रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम गाइस, चलते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत जबरदस्त फंसे है, NS का हम लोग का लीक हो गया है, पंचर हो गया है, 2-3 बोल्ट पंचर हुआ है एक साथ, तो अच्छा हुआ ये पंचर वाले के यहाँ पे जाके हुआ है, नहीं तो बहुत बुरे फंसते गाइस, क्योंकि ये जो रोड है यहाँ पे कहीं पे भी पंचर वाला नहीं मिलेगा और कोई तो रोड में है ही नहीं गाइस। तो ऐसे ही देख सकते हो आप लोग, पूरा फाका फाका सा रोड है, एकदम खाली खाली सा। तो दोस्तों देख ही सकते हो 3-4 किले ढुक गया है अंदर, हवा निकल चुका है,
पास जगह से हवा ना ही डाले दोस्तों, जितना भी था वो भी निकाल दिया है, देख ही सकते हो। जितना भी मैंने था, पर्दा था मेरा अंदर, और वो भी निकाल दिया बहनचोद। तो ऐसी जगह से हवा ना ही भरे तो ही अच्छा है। इंडियन ऑयल है गाइस, तो देख ही सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ ढाबे पे थोड़ा लंच करने के लिए रुके हैं, और अभी एक तो चीज हम लोगों ने गौर किया, एनएस से गाइस धुआं निकल रहा है, यहाँ से कहाँ से निकल रहा है अभी देखना पड़ेगा। यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये देखो आप देख पा रहे हो कि नहीं, कैमरा में कैप्चर होगा कि नहीं, धुआं निकल रहा है, बहुत ही गन मार रहा है। देखो देखो गाइस, तो अभी गाइस मैं सिलीगुड़ी में हूँ, और कल आते आते थोड़ा रात हो गया था, तो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कुछ इस तरीके का है। हमने रोड के ऊपर ही होटल ले लिया था, और देख ही सकते हो गाइस, तो वहाँ है कंचनजंगा। आज जाएंगे दार्जिलिंग ऊपर में पहाड़ी के ऊपर, अभी वहाँ पे बहुत ही फॉग है तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस इसी नोट पे करते वीडियो क्लोज, और मिलते हैं कल वाला ब्लॉग पे, दार्जिलिंग वाला ब्लॉग पे, चलिए चलते हैं।